आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इटावा से। डीएम के मेडिकल स्टोर्स के मालिकों को एक डायरेक्शन सामने आ रहा है, किसी के खांसी बुखार की दवा खरीदने पर जानकारी लें, उसका मोबाइल नंबर जरूर लिख कर रखें, जानकारी जुटाकर औषधि निरीक्षक को दें, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। ये आदेश डीएम का मेडिकल स्टोर्स के मालिकों के लिए, अगर किसी को खांसी या बुखार की शिकायत है, वो दवा लेने आता है, तो उसके फोन नंबर को रख लें और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उसकी जानकारी दें। बड़ी खबर, आदेश का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, ये भी इटावा में डीएम ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इटावा से। डीएम के मेडिकल स्टोर्स के मालिकों को एक डायरेक्शन सामने आ रहा है, किसी के खांसी बुखार की दवा खरीदने पर जानकारी लें, उसका मोबाइल नंबर जरूर लिख कर रखें, जानकारी जुटाकर औषधि निरीक्षक को दें, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। ये आदेश डीएम का मेडिकल स्टोर्स के मालिकों के लिए, अगर किसी को खांसी या बुखार की शिकायत है, वो दवा लेने आता है, तो उसके फ़ोन नंबर को रख लें और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उसकी जानकारी दें। बड़ी खबर, आदेश का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, ये भी इटावा में डीएम ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इटावा से। डीएम के मेडिकल स्टोर्स के मालिकों को एक डायरेक्शन सामने आ रहा है, किसी के खांसी बुखार की दवा खरीदने पर जानकारी लें, उसका मोबाइल नंबर जरूर लिख कर रखें, जानकारी जुटाकर औषधि निरीक्षक को दें, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। ये आदेश डीएम का मेडिकल स्टोर्स के मालिकों के लिए, अगर किसी को खांसी या बुखार की शिकायत है, वो दवा लेने आता है, तो उसके फ़ोन नंबर को रख लें और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उसकी जानकारी दें। बड़ी खबर, आदेश का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, ये भी इटावा में डीएम ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इटावा से। डीएम के मेडिकल स्टोर्स के मालिकों को एक डायरेक्शन सामने आ रहा है, किसी के खांसी बुखार की दवा खरीदने पर जानकारी लें, उसका मोबाइल नंबर जरूर लिख कर रखें, जानकारी जुटाकर औषधि निरीक्षक को दें, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। ये आदेश डीएम का मेडिकल स्टोर्स के मालिकों के लिए, अगर किसी को खांसी या बुखार की शिकायत है, वो दवा लेने आता है, तो उसके फ़ोन नंबर को रख लें और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उसकी जानकारी दें। बड़ी खबर, आदेश का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, ये भी इटावा में डीएम ने कहा है।